हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए गैंगरेप के बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाने पर समाजवादी नेता पूर्व मंत्री प्रतिनिधि सुमेश सचान ने कार्यकर्ताओं के संग कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन रख गिरदों में श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा नेता पूर्व मंत्री प्रतिनिधि सुमित सचान ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का दोहरा चेहरा बेनकाब हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली इस सरकार के 3 सालों में अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हुई है। उन्होंने योगी सरकार को जनता द्वारा दिए गए व्यापक जनमत का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वयं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट पर कोई गंभीर चोट ना होना बताया जाना सरकार की संवेदनहीनता की प्रकाशता है। उन्होंने कहा कि इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में बेटी को महफूज रहना है तो स्वयं की सुरक्षा करनी होगी। सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। बेटी मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिले 2 सप्ताह तक देश की बहादुर बेटी ने जिंदगी मौत से जंग लड़ी। आखिर बीते दिन पीड़ित बेटी ने उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। हमारी सूबे की वर्तमान सरकार से मांग है कि सरकार CBI जांच कराए और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाए। इस दौरान कैंडल मार्च पर मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण प्रधान गिरदों, मुस्कीम अहमद पूर्व प्रधान गिरदों, इरफान खान, खलील खान जिलाध्यक्ष समाजवादी, किसान मंच आजम खान, हाफिज मोहम्मद, इशरार महेश कुमार, शिक्षा मित्र गगन यादव सहित सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता सर्वेश यादव की यह खास रिपोर्ट। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मनीषा के हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो। मनीषा के हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो। इस सर्व समाज के साथ में चलना, सबका साथ सबका विकास। तुम तो सबका साथ कर रहे हो, साथ को साथ लेकर चलने वाली बात करते हो और सबका विनाश कर रहे हो। काश हमारी बहन होती, काश हमारी बेटी होती, काश हमारी बहू होती। इस तरह से जिस तरह से मनीषा वाल्मीकि के साथ में दुर्दांत और गंदगी उसके साथ में की गई है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा स्तब्ध हैं। बड़े दुखी मन से, भावुक मन से ये कहना चाहते हैं कि साथ काश काश किसी से बेटी के साथ में नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश अपराधियों का प्रदेश है। योगी जी को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइन ऑर्डर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ प्रतत्व नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का जघन अपराध करने वाले लोगों को सरकार एक ऐसा नया कदम उठाए, नया कानून बनाए जिससे उसको की स्थापना हो। न हाई कोर्ट में अपील हो, न सुप्रीम कोर्ट में हो, उनको तत्काल प्रभाव से फांसी दे देना चाहिए। हम जनपद कानपुर इकाई समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता, महिलाएं, बंद सम्मानित देवतुल्य पदाधिकारियों से हम सब यही मांग करते हैं, हमारे पदाधिकारी, कि उनके साथ में, उस बेटी के साथ में अगर गलत हुआ है तो तत्काल उसको फांसी की सजा होनी चाहिए।